हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल स्टार्ट योर सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड 7। सो लेट अस स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल स्टार्ट योर यूनिट नंबर 3, स्पोर्ट्स। ओके, सो व्हाट इज अबाउट स्पोर्ट्स? फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी है ड्रिंक्स। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। ड्रिंक्स ड्रिंक्स मतलब होता है सपने, ठीक है? तो ड्रीम्स ड्रीम्स ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्रीज। लोगों के सपने होते हैं, ट्रीज के सपने होते हैं, ड्रीम्स ऑफ लैंड एंड ड्रीम्स ऑफ सी। किसके सपने होते हैं? जमीन के सपने होते हैं, सी मतलब जो दरिया होता है, ठीक है, उसके सपने होते हैं। ड्रीम्स टू ग्रो बिग, ड्रीम्स टू ग्रो रिच। किसके सपने होते हैं? बड़े होने के सपने होते हैं, रीच बनने के सपने होते हैं। ड्रीम्स टू प्रॉस्पर एंड ड्रीम्स टू फेस, मतलब कि अच्छे इंसान बनने के सपने होते हैं और शांति बनाए रखने के भी सपने होते हैं। ड्रीम्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, हमारे देश के भी सपने होते हैं। हमें कभी कभार हमारा देश का भी ख्याल आता है, ठीक है, हम अपने देश को एक ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। तो जो हमारे दिमाग में हमारी कंट्री के लिए जो ड्रीम्स आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप। ड्रीम्स ऑफ लव, जो हम अपने पेरेंट्स को लव करते हैं उसके सपने होते हैं। फिर मतलब एक अच्छी मोमेंट होती है कि जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। एंड ड्रीम्स ऑफ होप, व्हाट इज अबाउट ड्रीम्स ऑफ होप? मतलब कि हमें लाइफ में कुछ बनना है, हमारे कोई एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके लिए हमारे ड्रीम्स होते हैं कि वी विल होप दैट कंप्लीट अवर टारगेट एंड जो गोल है वो। तो हमारे जो होप्स होते हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके भी ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स दैट ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू। कभी कभार हम किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको जो ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसमें कहते हैं कि योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओके, तो हम यही एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि सबके सपने क्या हो, सच हो जाए। तो ये यहाँ पर ड्रीम्स के बारे में बात की थी कि सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए है, ये पिक्चर्स में हम देख सकते हो कि कुछ अलग अलग टाइप की एक्शंस बताई गई है। अब ये एक्शंस कौन से टाइप की है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है टेकोंडो। अब टेकोंडो क्या है? तो इट इज अ मॉडर्न मार्शल आर्ट कैरेक्टराइज बाय अ फास्ट हाई एंड स्पिनिंग किक। फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिया है वो टेकोंडो का है। उसमें क्या होता है, एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है जिसमें फास्ट हाई एंड स्पिनिंग किक होती है। ओके, देन टेकोंडो मींस द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग और द आर्ट ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट। अब ये क्या है, टेकोंडो क्या है कि एक मार्शल आर्ट है जिसमें आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग होता है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जो आप पे अटैक करते हैं उसको किकिंग कैसे करे और पंचिंग कैसे करे, ठीक है। जनरली हम स्कूल में मस्ती करते तो ये सब करते ही है, बट ये एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है, ठीक है, ये एक टेक्निक से सिखाया जाता है। और उसका दूसरा मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ अनआर्म कॉम्बैट, मतलब एज वेल एज की हाथ और पैर दोनों एक साथ कैसे चलाना है ये आपको सिखाते हैं। द स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन कोरिया एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? कोरिया में, ठीक है, ये कोरिया का मार्शल आर्ट है एंड इट इज टू मच पॉपुलर। सेकेंड वन है कराटे, ठीक है, कराटे इज अ हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ जापानीज ओरिजिन। ये कराटे जो है वो जापानीज ओरिजिन, मतलब कि जापानीज टेक्निक है जिसका बोलते हैं
पार्शियल एक्ट, मतलब कि कराटे सीखना थोड़ा हार्ड है। इट इज अ स्ट्रिकिंग आर्ट यूजिंग पंचिंग, किकिंग, नी एंड एल्बो स्ट्रिकिंग ऑन द ओपोनेंट्स बॉडी। अ कराटे पार्टी प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड अ कराटेका। यहाँ पे आपको दिया है कि ये भी एक वन टाइप ऑफ मार्शल आर्ट है, इसमें भी आपको किकिंग, पंचिंग, एल्बो एंड नी के जो स्टंट होते हैं वो सिखाए जाते हैं। एंड कराटे जो सीखता है, कराटे की जो प्रैक्टिस करता है, उसको क्या बोलते हैं, कराटेका। लास्ट वन इज जूडो। व्हाट इज अबाउट जूडो? जूडो इज द जनरल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट अगेन ऑफ जापानीज ओरिजिन। ठीक है, जो जूडो है वो भी क्या है, जेंटल मार्शल आर्ट। ये भी मार्शल आर्ट है बट थोड़ा जेंटल फॉर्म में, मतलब जो कराटे और टेक्वोंडो में क्या होता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी किक मार दो, पंच मार दो टेक्निशियली तो चलता है, लेकिन ये जो जूडो है वो फेस टू फेस खेलने की मार्शल आर्ट है। एंड अगेन ऑफ जापानीज ओरिजिन, उसका भी ओरिजिन जापान में हुआ है। ठीक है, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स इज द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट वेर द ऑब्जेक्ट इज टू थ्रो एन ओपोनेंट टू द ग्राउंड एंड इम्बोलाइज और सबमिट एन ओपोनेंट। मतलब कि इसमें एक टेक्निक कैसे होती है, जैसे कराटे और टेक्वांडो में क्या होता है कि आपको किकिंग पंचिंग करनी होती है, जूडो में क्या होता है कि आपको एक दूसरे को टेक्निशियली गिराना होता है नीचे। ठीक है, सो ये है स्पोर्ट्स में आपको अलग अलग मार्शल आर्ट एंड गेमिंग के बारे में दिया है। नाउ वी सी द एक्टिविटी नंबर 4। व्हाई स्पोर्ट्स हैव वैल्यू इन अवर लाइफ, एवरीवन्स लाइफ, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ पर्सन विथ अ डिसएबिलिटी। जो स्पोर्ट्स है वो ऐसा नहीं है कि कोई रिच पर्सन के लिए है, स्पोर्ट्स एक ऐसी थिंग है कि बच्चे से लेके बड़े तक, रिच से लेके पुअर तक सब लोग खेल सकते हैं स्पोर्ट्स। फिर चाहे वो स्ट्रिक्ट के क्रिकेट हो या फिर स्टेडियम के क्रिकेट हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड दैट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिहैबिलिटेटिव इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स कैन हैव नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो अ रिहैबिलिटेटिंग पीपल विथ अ डिसेबिलिटी इनटू सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि कोई पीपल एबल है टूल्स खरीदने के लिए या स्पेस फीस भरने के लिए। कुछ लोग होते हैं कि जो स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में जाता है, फीस भरते हैं ये वो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग ये सब टूल्स लेने के लिए, ये सब करने के लिए एबल हो वो ही स्पोर्ट्स खेल सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी। जो आजकल के बच्चे जो सोसाइटी में खेलते हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे खेलते हैं, ये लोग भी हो सकता है कि बड़े स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। ठीक है, फर्दर मोर स्पोर्ट्स टीच इंडिपेंडेंस। स्पोर्ट्स क्या करता है, इंसान को इंडिपेंडेंट बना देता है। अब कैसे इंडिपेंडेंट बनाता है, तो अब जैसे कि सब लोग क्रिकेट खेल रहे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट चीज क्या होती है कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, अब क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो, जब आपकी बैटिंग आती है तो अपने हिसाब से ही रन बनाते हो ना, कि आप किसको बोलते हो कि तू इधर आजा मेरे जगह पे रन बना दे, नहीं ना, अब अपने बेस पे स्टैंड लेते हो, आप अपने बेस पे रन बनाते हो एंड एक स्कोर बनाते हो। ठीक है, सपोज अगर आप बॉलिंग करते हो तो आप अपने बेस पे विकेट्स लेते हो, है ना, या आप किसी को बोलते हो कि भाई तू विकेट ले ले मेरे तरफ से, नहीं बोलते ना, आप इंडिपेंडेंट खेलते हो। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये इंसान को क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। हो सकता है कभी कभार गेम में आपको कोई सपोर्ट करे भी सही, कोई सपोर्ट ना भी करे, कभी कभार आपको आपकी टीम से खेलना पड़े या तो फिर ऑपोजिट टीम से खेलना पड़े, है ना, तो आपको स्पोर्ट्स क्या करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, नाउ अ डेज पीपल विथ अ डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट इन हाई परफॉर्मेंस एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव
डेज, अब की अब जो दिन आ रहे हैं, अब जो अच्छे दिन आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो पीपल डिसेबल है, ठीक है, जो पीपल डिसेबल है, या तो वो चल नहीं पाता हो, या तो वो कुछ उठा नहीं पाता हो, ऐसे पीपल भी अब स्पोर्ट्स में आने लगे हैं। कैसे? तो व्हील चेयर की हेल्प से, फेक हैंड या फेक लेग की हेल्प से, ठीक है। तो जो डिसेबल पर्सन है वो भी नाउ अ डेज ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई स्ट्रीट क्रिकेट या स्टेडियम वॉलीबॉल, स्टेडियम बास्केटबॉल में नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इवन दैट यहाँ तक कि व्हील चेयर रेसिंग भी होती है, एथलेट्स होते हैं व्हील चेयर एथलेट्स, उसमें जो जिसके पैर नहीं होते हैं, जो डिसेबल है चलने के लिए, वो व्हील चेयर से उनका एक अलग कॉम्पिटिशन होता है कि सारे जो डिसेबल पीपल है उनका एक अलग रेस होता है थ्रू आउट व्हील चेयर की हेल्प से, है ना। तो अब आज की तारीख में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, और सब जो डिसेबल पीपल है उनके लिए भी सेम सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो। ओके, योर नेक्स्ट वन एक्टिविटी इज एक्टिविटी नंबर 5। ओके, व्हाट इज अबाउट एक्टिविटी? लेट्स रीड अ स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस। स्कूबा डाइविंग क्या होता है पता है आप सबको? ओके, तो ये जो एक्टिविटी है उसमें हम पढ़ेंगे स्कूबा डाइविंग के बारे में, ठीक है। स्कूबा डाइविंग, सो सम पीपल आर स्कैर्ड टू ट्राई स्कूबा डाइविंग, क्योंकि स्कूबा डाइविंग है ही इतना डेंजरस कि आपको डर लगे। कुछ लोग तो ये देखते हुए भी ये नहीं करते कि हाँ, देखते ही डर जाते। जो लोग स्टंट करते हैं स्कूबा डाइविंग का, उसको देखते ही कुछ लोग तो डर जाते हैं। सम पीपल लव दिस स्पोर्ट एंड ऑलवेज फाइंड देयर एक्सक्यूज टू गो समवेयर ओनली टू डाइव। इज दैट स्पोर्ट्स हैज सम सिमिलैरिटीज विथ माय फेवरेट फ्रूट्स ड्यूरिंग। Either you love it or you hate it. कुछ लोगों को स्कूबा डाइविंग अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को नहीं भी लगती। Or just don't have the courage for to try. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है एंड ऑल। I have been thinking to take a course of scuba dive month ago, but was not sure. I am scared of sea snake. Thinking about it make me sick and all frightened. मैंने स्कूबा डाइविंग का, यहाँ पे जो राइटर है वो अपनी बात कर रहा है, मैंने स्कूबा डाइविंग का जो कोर्स है वो एक महीने पहले सीखा था, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, मेरा जो डर है वो दूर हुआ है या नहीं हुआ है एंड ऑल। बट देन आई वॉज सो क्यूरियस व्हाई पीपल लव इट सो मच। लेकिन देन आफ्टर मैं एकदम श्योर हो गया कि अगर लोग इसको लाइक कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने को, तो फिर मैं क्यों नहीं, मैंने तो सीखा हुआ है। दे ऑल से दैट अंडर द सी इज लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, येट अ ब्यूटिफुल वन, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग माय रिस्क एंड ट्राई टू ओवरकम माय फियर एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ बम्पिंग इनटू अ सी स्नेक। ओके, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं ट्राई, हाँ अगर एक बार रिस्क नहीं लिया तो फिर लाइफ टाइम मुझे नहीं आएगा, तो एक बार ले लेते हैं रिस्क। दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा डर दूर होगा या तो फिर मैं अंदर ही फेल जाऊंगा। सो आफ्टर टेकिंग अ प्राइवेट लेसन फ्रॉम माय डाइविंग इंस्ट्रक्टर, आई
went to an Iceland. Here is my first experience. मैंने मेरे जो स्कूबा डाइविंग के जो ट्रेनर थे, जिसके पास से मैंने स्कूबा डाइविंग सीखा है, उनके इंस्ट्रक्शन के अंडर में मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्राई किया और आगे क्या हुआ ये उन्होंने बताया है. अब नेक्स्ट जो है आगे की स्टोरी है, वी विल डिस्कस दिस लेटर.